एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुमने मेरे बेटे को और जीजी को बहुत परेशान करके रखा। बस मेरे बेटे को और जीजी को परेशान करके रखा। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। आज तुम्हारे लिए पास्ता सलाद बनाया है मैंने, आप खा लो। आपकी तबीयत खराब कर रही है, एक माँ को नहीं कैसे आएगी जब उसके बच्चे रात में ही सड़कों पे घूमेंगे। अंदर घर पे है क्या? माँ अभी घर पे नहीं है। मुझे अभी अभी जीजी का फोन आया, उन्होंने कहा कि मंगल घर पे पहुंच गई है। मैंने सोचा तुम लोगों को बता। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। जरा होश में उठ जाके ब्रश हो लो, मैं खाना गर्म। अपनी बहन का फोन कर रही हूँ तो बता दो उसे कि बहुत तमाशा कर दिया उसने। उसे किसी की परवाह ही नहीं। वहां मेरी जीजी इतनी परेशान है, रोए जा रही है कब से। तो जीजा जी की तबियत ठीक नहीं है, वो जीजा जी को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, अदित के लिए भी परेशान है। अभी अभी अदित जेल से छूट के आया, पर एक पल के लिए उसे चैन नहीं है। पर को तो किसी की परवाह ही नहीं। ख्याल नहीं आया मंगल को अपनी सास का, वो सास जो हर वक्त उसकी हिमायत करती रहती है। तुम्हें एक बात मैं और बता दूं, तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान करके रखा। अरे जब देखो तब बस तुम्हारे पीछे 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 पीछे। हाँ, उसे अपने पर काम धंधे है नहीं क्या? कभी तुम्हारे चाचा की तबीयत तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मंगल गायब हो जाती है। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुमने मेरे बेटे कार्तिक को बहुत परेशान करके रख दिया है। अरे सुबह से बस तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, उसे अपने पर काम धंधे है नहीं क्या? तुम्हारे चाचा की तबीयत तो कभी मंगल गायब। थोड़ा उसके बारे में भी सोचो लक्ष्मी, नरम दिल है उसका, तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, वो घबरा जाता है बेचारा। कहीं कहां गई, क्यों गई, कब गई, बस मेरे बेटे को और जीजी को परेशान करके रखती है। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी पसंद का पास्ता सलाद बनाया मैंने, जाके ब्रश हो जा, खा लेना। तुम भी आ जाओ। मैं भी करते हैं।